पश्चिम भूमध्य सागर में एक द्वीप है जिसका नाम सिंधु है। उस द्वीप में एक सौदागर था, उसका नाम था हिरण्यकेतु। मैं अपने पूरे जीवन में इतना रोजगार कर चुका हूँ कि मेरे साथ पुरुष भी आराम से खा पाएंगे, लेकिन पूर्व दिशा की ओर मैं अब तक नहीं गया, लेकिन अंत में मैं वहीं जाऊंगा। अब मैं पूर्व दिशा के समुद्र की ओर ही जाऊंगा। चलो हम लोग भी चलेंगे तुम्हारे साथ। सौदागर हिरण्यकेतु अपने दोस्तों के साथ समंदर की ओर रवाना हो गए, पूर्व दिशा के उद्देश्य में। ये क्या काला धुआं जैसा हम लोगों की ओर आ रहा है? अरे यह तो घिरनी झड़ है, ये तो हम लोगों की तरफ। अरे ये तो बहुत ही भयंकर तूफान है, ये तो हम लोगों को डुबा देगा। अरे ये क्या, हम लोग तो रास्ते से भटक गए हैं। आप आगे चलते रहिए, जो होगा वह देखा जाएगा। भयंकर समुद्री झड़ से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे सौदागर, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद। चलो चलो उस द्वीप की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो फिर वही। जान बच गई। बहुत रात हो गई है, कल सुबह सोचेंगे हैं। अभी चलो जाकर देखते हैं कहीं रहने का जगह मिल जाए। चलो चलते हैं। अरे इतने बड़े महल में एक भी मनुष्य नहीं। ये क्या, कौन हो तुम? मैं बंदरों की रानी हूँ, आज बाहर नहीं जाना पड़ेगा आहार खोजने। आहार तो खुद पे खुद आ गया है, इतना सारा रोज मारूंगी एक को खाऊंगी। आ बचाओ, ये क्या? जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत खाली आज। नहीं नहीं और नहीं, कल सुबह इस राक्षसनी के आने से पहले कुछ व्यवस्था करना होगा। क्या करेंगे हम लोग? तुम लोग उस जहाज के टूटे हुए लकड़ियों से एक नाव बनाओ, उस नाव से ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। ठीक है। इस बार हम लोगों की जान बच गई। चलो चलो अब यहाँ घूमने से कोई फायदा नहीं है, अब हम लोग अपने देश चलते हैं। नहीं दोस्त, ये देखो हम लोगों का तो सब कुछ चला गया, अब खाली हाथ ना जाकर इसी को बेचकर अपने देश चलते हैं। बोलिए महाराज, हिरण्यकेतु के जो दोस्त थे, जो पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए तैयार नहीं थे, इतना विपत्त होने के बाद भी वो लोग पूर्व दिशा की ओर क्यों जाना चाहते थे? नहीं बेटा, उस समुद्र में जो विपत्त आई थी उस हिरण्यकेतु ने ही बचाए थे। उसके बाद अगर वह अपने बारे में ही सोचता और वापस चला आता तो हिरण्यकेतु स्वार्थी कहलाता, लेकिन वह ऐसा नहीं किया। इसलिए अब मैं चला महाराज। हा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